लास्ट में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो आई होप आप लोग सब खुश होने वाले हो जिससे। देखिए ये ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, वो ये प्रॉपर काजल है। अभी इस मज वाला लगता है जो फ्रेंड्स देख रहे हो आप। हेलो गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल सारियानू, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, हाय आई एम दिग्जय झौरी, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, कीपिंग योरसेल्फ सेफ। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने सारा मेकअप करा है, बट मैंने आंखों का कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं, एक देख लो मस्कारा तक नहीं लगाया है, बट ऐसा करना पड़ा है क्योंकि आज मैं आपके संग अपने आई करूंगी, मतलब आपको काजल की टिप्स देने वाली हूँ मैं तो आज। तो मैंने अपनी आंखें बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रखी हैं, कुछ भी उस पर नहीं किया है अभी। और आज ना हम सिर्फ टिप्स नहीं ले रहे हैं, मैं आपको टॉप जो मेरे फेवरेट हैं, आई होप एयरपॉड्स लगा के अब आवाज़ थोड़ी सी फिल्टर थोड़ी तो ठीक होगी ही होगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है फिलहाल के लिए। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं टॉप काजल्स के ऊपर, एंड उसके संग ही संग मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपको वो स्मज प्रूफ काजल मिले। और जैसे क्या होता है लड़कियों के संग, उनका ना काजल फैलने लगता है, अगर बाय चांस हमारी आई रब हो जाए या फिर आंसू आ जाए या कुछ भी कुछ चले जाए या पसीना आ जाए, तो उससे ना हमारा काजल जो है वो फैलने लगता है, एज यू ऑल नो। तो उसी के लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आई होप वर्क अच्छे से करेगा, और मैं आपको पूरा उसका लगा के दिखाऊंगी। तो सो स्टे ट्यून्ड गाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काजल्स के ऊपर, कोल काजल विच यू ऑल नो। सो आई एम कैरिंग 4 टॉप काजल्स फ्रॉम माय वैनिटी विच आई लव द मोस्ट। जो सबसे पहला काजल है जिसकी मैं बात करने जाने वाली हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जो कि है प्लम। ये है प्लम का कोल काजल, विच इज़ प्लम आई स्वेयर बाय कोल काजल फ्रॉम प्लम। और इसकी MRP है, एंड दिस इज़ फॉर 275, एंड लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा डार्क काजल है, मतलब जैसे डार्क कोल जो होता है ना, प्रॉपर डार्क डार्क, सबको डार्क काजल्स पसंद है, ये वन ऑफ देम है उसी में से। एंड मैं आपको इसको स्वेच करके भी दिखाती हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। एंड ये मैं क्या देख रही हूँ कि बस इतना, ये बस इतना सा बचा है, पूरा ख़त्म हो गया है। सो ठीक है, अपन तब भी यहाँ स्वेच तो कर ही सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रॉपर डार्क काजल है, और ये स्मज प्रूफ भी है, ट्रांसफर प्रूफ भी है। और प्लम से ना मैं ये समझती हूँ कि इसमें थोड़ा हर्बल्स वर्बल्स अच्छा रहेगा, तो मैंने ये ख़रीदा था, एंड लिटरली इट वर्क्स सो गुड मेरे स्किन पे, मेरी काज मेरी आइज़ पे। एक्चुअली मेरी आइज़ ना थोड़ी सेंसिटिव हैं, उसमें ना मतलब सेंसिटिव है, लेकिन ना मुझे लगता है मेरी आंखों में ना थोड़ी ख़राब भी है, क्योंकि ना इसमें ना हमेशा वाइट लेयर पपड़ी की जम जाती। जब मैं छोटी थी बचपन में तो कुछ ज़्यादा ही होता था, अब तब भी थोड़ा ठीक हो गया है, एंड स्टिल लाइक आपको थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा होगा, अभी भी होगा, जैसे डैंड्रफ की वजह से ये नहीं होता है, पहले बता दूँ मैं, ये अपने आप ही उधर की स्किन ही ऐसी है कि वो पील ऑफ होती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है वहाँ का। तो ये पहला काजल था। लेट्स कम टू नेक्स्ट काजल, विच इज़ फ्रॉम शुगर ब्रांड, एंड यू ऑल नो आई लव शुगर, और ये इतना डार्क काजल है, मतलब ये ना डार्क है बट ये फैलता बहुत है, बहुत ज़्यादा फैलता है, इसको सेट करना ना बड़ी मुश्किल वाला खेल है, बट लिटरली इट वर्क सो गुड, यू ऑल कैन सी दैट। ये है कोल ऑफ ऑनर का इंटेंस काजल 01 ब्लैक आउट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस वर्क बहुत अच्छा करता है, प्योर डार्क डार्क जाता है, ये देखो
ऊपर वाले से भी डार्क लग रहा है। मैं आपको टॉप टॉप काजल्स ही बता रही हूँ, तो मेरे सारे ही मेरे पसंदीदा हैं। और इसका प्राइस ना कुछ मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मेरा सेकंड फेवरेट काजल है, जो कि है शुगर से। एंड नाउ लेट्स कम टू द थर्ड काजल, विच इज़ फ्रॉम मेबलिन। और मेबलिन का ना मेरा ये वाला काजल एक अलग ही, ये ना मैंने किसी को देखा था तो वो लगा रहे थे, और मुझे ना तब पता नहीं था कि ब्रश वाले काजल्स भी ऐसे कुछ आते हैं या क्या। और मुझे ना लगाने भी नहीं आते थे लिटरली, बताऊँ मैं तो सिर्फ पेंसिल से लगा ली, हो गया काम। तो मैंने उन्हें देखा, तो मैंने उनसे पूछा था ये कौन सा काजल है, तो उन्होंने मुझे बताया था। और फिर मैंने इसको मंगवाया और यूज़ किया, बहुत ही प्यारा ये जेल आईलाइनर है। रुक रुक को मैं इतनी बातें कर रही हूँ, दिखा तो दूँ। चेस दिस एबलिन न्यूयॉर्क। और ये छोटी सी डिब्बी है, और छोटी सी डिब्बी पता है कितने की है? 500 रुपए की है, 500 की है आई थिंक। इधर देख लो तो ये है आई स्टूडियो का लास्टिंग ड्रामा का जेल आईलाइनर, विच इज इन द शेड 01 ब्लैक। और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और ये भी टॉप काजल्स में है। क्योंकि अगर आपको कभी भी बोल्ड ब्लैक बोल्ड आइज चाहिए, या फिर स्मोकी आइज चाहिए, या फिर स्मोकी आईलाइनर लगाना है, तो दिस वर्क्स बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि इसको फैलाने के लिए, इसको सेट करने के लिए इसके संग ये ब्रश आता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आंखों को कमाल कर देता है। मैं आपको एक साइड पे इससे आई बना के दिखा, आई काजल लगा के दिखाऊंगी, मतलब आई बना के दिखाऊंगी। और एक साइड से मैं शुगर का यूज़ करूंगी एज पर आई वॉन्ट, कि मैं शुगर का, क्योंकि प्लम का थोड़ा कम है, बट हाँ वो लग सकता है थोड़ा कम है। तो मैं शुगर और मेबलिन से आप लोगों को अलग अलग आई करके दिखाऊंगी, अलग अलग काजल लगा के दिखाऊंगी। एक में स्मज स्मोकी करके दिखाऊंगी, और एक में काजल को स्मज प्रूफ करना कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगी। सो दिस वॉज द थर्ड काजल, एंड ये भी ट्रांसफर प्रूफ ट्रांसपेरेंट है, और जैसे आंसू आंसू से रोगे तो नहीं टपकेगा, इसमें ऐसा लिखा है, और लिटरली ऐसा ही होता है। लेकिन हमें जैसे स्वेट वगैरह आता है, तो थोड़ा काजल चाहे कोई भी हो, वो फैलता ही फैलता है, तो उसे सेट करना हमें आना चाहिए। तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगी आज कि हम अपना काजल ना फैलने से कैसे रोक सकते हैं। सो दिस वॉज द थर्ड काजल, एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट काजल, विच इज़ फ्रॉम लैक्मे। यार मेरा वाला ना काजल, पता नहीं मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान होगी, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो आप ये देख लीजिए, ये है लैक्मे काजल, और ये सारी अफोर्डेबल है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि है मेबलिन का जेल आइलाइनर। जेल आइलाइनर्स ना थोड़े से महंगे ही आते हैं, तो मेरे हिसाब से मेबलिन का ये वाला इनका जेल आइलाइनर ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी अपन लैक्मे की बात कर लेते हैं। तो ये है लैक्मे का काजल, विच इज़ कॉस्ट फ्रेंडली, और उस हिसाब में इतना अच्छा शेड देता है, बिल्कुल डार्क बोल्ड, जो कि ऑलमोस्ट गुड एंड गुड है। एंड लैक्मे ब्रांड तो सबको पसंद ही है, तो ये मैं भी बचपन में पहले यही काजल लगाती थी, और तब से ही चला आ रहा है ये किस्सा। तो नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन, विच इज़ फ्रॉम द के ब्यूटी, एंड दिस इज दैट। मतलब मैंने ना अभी इसको मंगाया है, मेरा एक ख़त्म हो गया था, और वो पता नहीं मैंने शायद डस्टबिन वस्टबिन में कर दिया, क्योंकि ये स्टिल आप अभी प्रेफरेंस में देख लीजिए, प्रॉपर जो डार्क ब्लैक होल आता है वही है, ट्रांसफर प्रूफ है, ट्रांसपेरेंट है, स्मज प्रूफ है, और लिटरली उसमें इस वाले काजल बिना बहुत, मतलब कई हद तक, कई टाइम तक आपके भी बहुत अच्छा टिक जाता है। लेकिन धीरे धीरे हर काजल ही फैलने लगता है, तो उसका भी यही होता है। बट अपन ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कभी फैलेगा ही नहीं या फैलता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा तो सभी काजल्स फैलते हैं। तो ये था लास्ट रिकमेंडेशन, और ये ही सारे पांच काजल्स थे जो कि टॉप फेवरेट हैं और टॉप काजल्स हैं फ्रॉम माय साइड। और अब हम आ जाते हैं कलाकारी पे। देखो मेकअप करना इतना नहीं आता है, लेकिन मैं अपना, हाँ मैं मेकअप अपना कर लेती हूँ, लेकिन मेरे से किसी और का मेकअप नहीं होता है, विच इज़ एन एडवांटेज कि मुझे शादियों पार्टियों में किसी का मेकअप नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपना सज धज के रेडी हो जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के लिए। एक में करेंगे हम स्मोकी स्मज वाला काजल, इसमें करेंगे, और स्मज प्रूफ इसमें करेंगे, कि मतलब
काजल को फैलने से कैसे रोक सकते हैं वो इसमें करेंगे। और चलो चलो करो यार। गाइस स्टार्ट करने से पहले अपन इसको ब्रश को माइसलर से थोड़ा सा क्लीन करेंगे क्योंकि वो सूख चुका है। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ क्लॉथ और उसमें ये थोड़ा माइसलर डाल के उसको रब करूंगी लाइक दिस। और ये ऐसे कि थोड़ा सही हो जाए। एंड सी रंग ही बदल गया बेचारे का। तो नाउ लेट्स बिगिन। और एप्लीकेशन कैसे अप्लाई इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। कभी भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। और लेने से पहले जैसे ब्रश से इसको थोड़ा सा निकालो, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो ये मैंने लिया है और मैं इसके ना ढक्कन के बीच ही इसको ले करके ना फैला रही हूँ ब्रश को अच्छे से कि ये थोड़ा सा लूज हो जाए। तो मैंने ये ले लिया है एंड नाउ वी आर जस्ट बिगिनिंग विद दैट। ले करके धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर दो। ये वन स्टेप और ले लो थोड़ा। मेरे को तो लगाने से आंसू आ जाता है। सिर सोच रही हूँ तो टिश्यू लेके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अंदर लगाने के बाद बाहर भी आउटलाइन में इसको अच्छे से अप्लाई करना है। एक लाइन बनानी है। ये इस हिसाब से दिख रहा है फॉर नाउ। और अब ना इस ब्रश से धीरे धीरे इसको अच्छे से स्मज करते जाना है, फैलाते जाना। जितना अच्छे से ब्रश को करते जाओगे उतना प्यारा आएगा। एंड नाउ आफ्टर दिस आपने इतना अप्लाई आपका इतना अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक या ब्राउन या जिस हिसाब का आपने कपड़े पहने उसका शेड ले सकते हैं। वैसे तो अगर स्मोकी ब्लैक करनी है तो ब्लैक ही लो या फिर ब्राउन ले लो, ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैं नायका के बीच साइड पीच में से ले रही हूँ। ये वाला ब्राउन ले लेते हैं, ये वाला ब्राउन कलर ले लेते हैं, ब्रेकी कलर है। और मैंने कोई दूसरा ब्रश लिया है जिससे इसको लिया है, कोई भी पाउडर ले करके बस इसको स्मच करते चलो। जितना ज़्यादा स्मच करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। देख रहे हो कितना प्यारा लग गया। तो ये एक स्मोकी आइज के लिए परफेक्ट काजल है क्योंकि ज़्यादा भी आप इसको डार्क नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा भी नहीं फैला सकते क्योंकि जब आपकी स्मोकी ब्लैक ऊपर शेडोज़ लगते हैं तो वैसे ही आपकी आई प्रॉपर बोल्ड टच देती है आपको। आप कोई भी जैसे मैंने प्लम का यूज़ करके दिखा देती हूँ, कोई भी प्लम का काजल लो ऊपर के में भी टच कर दो, देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो ये देखिए स्मोकी आइज के लिए परफेक्ट एलाइनर है। पीछे से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये आइज देखिए कितना डिफरेंस आ गया ना आइज में। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस के संग मैच करती हुई वाली आइज लग रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी आइज में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने स्मज प्रूफ कैसे करनी है आई। तो या मैं आपको इसमें भी करके दिखा सकती हूँ। जैसे अगर आपको स्मज प्रूफ करनी है ना, आपको कोई भी लूज पाउडर लेना है, मैं या आप ये बेबी पाउडर भी ले सकते हैं। बेबी पाउडर लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पाउडर अपने ऐसे उस पर डालना है। ब्रश लो, पाउडर लो, बढ़िया अच्छे से ले लो
और नीचे फैला दो। अब ये ना नहीं हटने वाला, नहीं हटने वाला मतलब नहीं हटने वाला। मैं आप प्रॉपर राइस इसमें ऐसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक और बार देख लीजिए, स्मज वाला लगता है, डिफरेंस देख रहे हो आप? तो अब हम इसको भी स्मज वाला बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटा और स्मोकी सा। सो लेट्स बिगिन। ये प्रॉपर काजल है अभी और ये स्मोकी। सो नाउ लेट्स बिगिन। अभी देख रहे हो नॉर्मल का दिखने में और इसमें दिखने में कितना अंतर है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर कोल डार्क काजल दिख रहा है और इसमें थोड़ा सेट वाला लग रहा है। हम इसको भी सेट करेंगे, बिकॉज अगर ऐसे रखोगे ना पक्का फैलेगा, पक्का फैलेगा मतलब पक्का, तो सेट तो करना ही पड़ेगा। तो वी आर डन विद द काजल और अब हम आ जाते हैं इसको, अब हम आ जाते हैं इसको सेट करने के लिए। तो वही स्टेप्स हम अपनाएंगे। ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, वो लूज पाउडर लो, फिर मिक्स करो, अप्लाई कर दो और अब देखो। वाह, कुछ तो अच्छा काम करती हूँ मैं जिंदगी में। तो गाइस देखो कितना मस्त सा काजल मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। तो गाइस ये था काजल के ऊपर पूरा। आई होप आपको ये काजल लगाना अच्छे से अब आ गया होगा, नहीं आया होगा जबकि फिर से देख लो, आ जाएगा। डिग्जा ने सिखाया, आ ही जाएगा। तो थोड़ा एक दो बार देख लो तो आप भी समझ जाओगे कि कैसे लगाते हैं। और अगर आपको मेरे ये काजल वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आप नोटिफिकेटेड रहेंगे मेरी सारी न्यू वीडियोज़ के लिए, मेरी सारी न्यू वीडियोस के लिए। एंड आई होप ये सब ये काजल पसंद आया होगा, मुझे तो बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है पसंद। तो आज के लिए ही इतना। ओए व्हाट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं सरप्राइजिंग चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई। तो शांति से गौर से सुनिए। तो मैंने डिसाइड किया है मैं हर मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर हर एक हॉट टॉपिक ले करके सारी पर्टिकुलर वीडियोस बना के लेके आ रही हूँ। जैसे ये पहली ये वीडियो थी काजल के ऊपर एंड द नेक्स्ट विल बी ऑन आईलाइनर। एक स्टेप से चालू कर रहे हैं, ये टिप्स मिलेंगे आपको कि ये चीज़ कैसे लगती है या ये चीज़ कैसे करते हैं। और टॉप सभी चीज़ों के टॉप फाइव मैं आप लोगों के लिए ले करके आ रही हूँ। एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के संग ये वाला लिस्ट शेयर करने के लिए। तो आज हो गया है कोल काजल के ऊपर बात और अब नेक्स्ट बात करेंगे आईलाइनर के ऊपर। और स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके बाद आईलाइनर, आईब्रोस, फाउंडेशन, ब्लश, हाइलाइटर सब आने वाला है। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? और अगर आप लोग एक्साइटेड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख के मेरा उत्साह और बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।